दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम इस समय बैठे हुए हैं अपने स्टूडियो में और आज हमारे साथ एक शोक भरी घटना हुई है। क्या घटना हुई है सो आप सभी को दिखाते हैं। जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारी छत पर हमारा स्टूडियो बना हुआ है। ये सब पीछे इस समय चारपाई लगी हुई है, ये छत पर वहाँ पड़ी होती है, लेकिन धूप के कारण यहाँ अपने टीम के नीचे खड़ी कर देते हैं। तो ये अपना पर्दा है और यहीं पर ये सब लेटने की व्यवस्था है और यहीं पर वीडियो वीडियो बनाते हैं, हम सभी लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम दो घंटे के बाद स्टूडियो में आए, ऊपर नीचे थे पहले, फिर सेकेंड फ्लोर पर यानी कि छत पर आए, तो जैसा कि हम ऊपर आए तो यहाँ हमने देखा ये माइक सब अलग पड़ी हुई थी। तो इसको हमने देखा, इसका ये पार्ट जो है अलग पड़ा, और ये देखिएगा सब मामला टूटा पड़ा। ये देखिए इसका पार्ट, ये पन्नी जो थी इसमें भी दांत बने हुए हैं, और ये देखिएगा सब जो है फटा हुआ पड़ा। इधर अपनी पुस्तक रखी हुई यानी नोटबुक कॉपी रखी हुई है, और ये सब लेटने की व्यवस्था यहीं सब रख देते थे। तो दोस्तों ये सब रखा हुआ था यहीं पर, और फिर उसके बाद में जब हमने देखा तो ये सब टूटा हुआ पड़ा था। माइक अपना जो है पूरा टूटा हुआ पड़ा था, ये देखिएगा सब इसका पार्ट अलग अलग कर दिया है बंदर ने। ये साला आज बंदर आ गया, इसने काफ़ी नुकसान कर दिया। ये देखिएगा सब अपने लेटनी की व्यवस्था जो थी वो भी फाड़ दी है, और ये माइक वाला सब पूरा फंडा बेकार कर दिया। पता नहीं बंदर ने जान लिया क्या, कल हमने एक माइक ऑनलाइन की दूसरे की, उसने साले ने आज हमारी माइक तोड़ दी। ऐसा होता कभी नहीं था, लेकिन आज जो है पता नहीं क्या उसके मन में आ गया। किताब रखी थी, नोटबुक रखी थी, लेकिन उसको नहीं फाड़ा। ऐसा होता है बंदर जो होता है वो अंदर चीज़ रखी हुई उसको ज़्यादा फाड़ता है। तो ये इसमें पॉलीथीन में पैक थी, काफ़ी दिनों से पिछले वर्ष हमने मंगाई थी, सैकड़ों रुपए का नुकसान इसने बंदर ने कर दिया। खैर ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ हो उसमें अगर नुकसान लग जाता है तो दिक्कत तो होती ही है। हमारे काम की चीज़ थी, अब इसने तोड़ दिया, नई तो हम खैर ले लेंगे, लेकिन दो चार दिन आने में टाइम लगेगा। ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन ख़रीदेंगे तो वक्त लगेगा, तब तक जो है वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा बंदर ने आज हमारे साथ घात कर दिया। आता पहले भी था लेकिन चला जाता था, आज कुछ उसके मन में आ गया, माइक को तोड़ दिया, सब एक एक टुकड़ा कर दिया। देखिए ये हल्का सा पार्ट है, और ये रेक्सिन टाइप की लगी होती है, ये भी अलग कर दिया है। तो हमने खैर इसको चेक किया तो इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन पहले की तरह जो है क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। तो एक तरफ से माइक जो है बेकार हो चुकी है। तो इससे आप लोगों को भी एक मैसेज देंगे, मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा एक ही रहता है कि आप सभी को कुछ ना कुछ मैसेज मिले, संदेश मिले। तो आप लोग जिसके गांव में बंदर हों तो छत पर जो है अपनी चीज़ों को, आने वाली काम में वस्तुओं को थोड़ा संभाल कर रखें, वरना जानवर आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। तो हमारे साथ में ये नुकसान आज हो गया, माइक हमारी वीडियो बनाने की थी वो ख़राब हो गई, और देख सकते हैं वो स्टैंड हमारा रखा हुआ है, ये चूल्हा रखा हुआ है, उसके आगे स्टैंड रखा हुआ है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, उसको भी अब जो है हम परमानेंट कहीं सही जगह से रखेंगे, क्योंकि छत पर वीडियो बनाते तो यहीं रख रुख देते हैं, और अपना पूरा जो है इस प्रकार से कार्यक्रम चलता था। तो यही सब बताने के लिए आज आए हुए थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।